कहता है वोटर की टीम के साथ। नरसिंहपुर विधानसभा का हाल, अब ये सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की नजरें इस विधानसभा सीट पर होगी कि क्या केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं या फिर यहां के नतीजे उलट निकल कर आते हैं। यात्री सुविधा तो पैसेंजर ट्रेन शटल वगैरह चलना चाहिए, तो कम चल रही है। पहले थी शटल थी, फास्ट पैसेंजर थी, जनरल डिब्बे कम कर दिए हैं, स्लीपर एसी बढ़ा दिए, उससे परेशान है आपको। बस सफाई रह गई है स्टैंड की, देखिए आप हालत बन रही है, यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है इस साइड घर पे, अब जाना पड़ता है सबको, पीछे जाना पड़ता है। वो नरसिंहपुर विधानसभा के विकास की बात करें तो विकास नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। जैसे शहर में हमारे यहाँ इस समय इतनी गंदगी है, आप अगर मोटर स्टैंड को पूरा कैमरा घुमा के देखेंगे तो यहाँ लगता ही नहीं है कि ये जिले का बस स्टैंड है। तो इस बस स्टैंड की स्थिति सुधारी जाए और विकास के लिए बिजली की भी अभी समस्या चल रही है। हालांकि नरसिंहपुर जिले में विकास तो इतने स्पीड से नहीं हो पाया, आप आजू बाजू के जिले देख सकते हैं, उसमें सागर है तुम्हारे, छिंदवाड़ा है, लगभग हर जिले में विकास है, अपने शहर के अंदर नरसिंहपुर में कहीं विकास समझ में नहीं आता। अब शहर में आप देख तो सकते हैं पार्किंग कहीं नहीं है आपके पास, है शहर में कहीं पार्क? अभी आप जाके नरसिंहपुर से जो रोडें देख लें, मेरे को समझ में नहीं आता। न तो हमारे पास कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज आ जाए यहाँ पे, या कोई उद्योग आ जाए, अपने नरसिंहपुर शहर में कोई उद्योग कहीं आप देखते नहीं मिलता। तुम्हारे से ट्रेवल्स में आज तुमको जी अभी त्यौहार दिख रहा है, तो अभी यहाँ बस स्टैंड पे क्या है कि त्यौहार के कारण भीड़ दिख रही है न, त्यौहार नहीं रहते हैं, कोई सीजन नहीं रहता, तो जी अब पूरी बसें खाली कर पड़ी जाती हैं। जी विकास तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कमी है थोड़ा सा, उस विषय में ध्यान देना चाहिए। क्या कमी? कमी यही है कि कई जगह चूक हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर में, कई जगह फॉल्ट। ये विधानसभा सीट इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो गई है क्योंकि मोदी कैबिनेट के मंत्री प्रहलाद पटेल को बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। क्या यहां के विधानसभा के मुद्दे हैं, यहाँ की जनता से हम जानेंगे। सबसे ज्यादा किसानों से जुड़े मुद्दे यहाँ पर हमको सुनाई दिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं सुनील जायसवाल, क्या लग रहा है आपको बीजेपी की यदि हम बात करें तो, सांसद बीजेपी का, मंत्री बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, उस लिहाज से नरसिंहपुर का कितना विकास हुआ? नरसिंहपुर यदि विकास की बात करें, चाहे वो किसानों की हो, नौजवानों की बात की जाए, तो उसका जब भी कोई काम हुआ है तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर विधायक भी हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन सांसद यहाँ को बिलोंग करते हैं। विधायक यहाँ पर जालम सिंह जी, लोकसभा में राव उदय प्रताप सिंह जी, राज्यसभा में कैलाश सोनी जी, बावजूद इसके यहाँ की समस्याएं जस की तस रही। किसानों को वाजिब दाम की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर गन्ना प्रमुखता के साथ यहाँ पर हमारे किसान लेते हैं फसल गन्ने की, पर किसानों को यहाँ पर हर बार छला जाता है, वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा उनको। जब जमाने में 350 के ऊपर 380 मिलता है, तब यहाँ पर 330 और 320 से ज्यादा नहीं मिल पाता किसानों को। हमारे दो दो साल हो गए किसानों को, आज भी किसान अपने आप परेशान। किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन अब ये सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। प्रहलाद सिंह पटेल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, नरसिंहपुर के साथ महाकौशल को साधने की कोशिश है, आपको लग रहा है कितना विकास बीते 5 सालों में हुआ है? इसके पहले लगातार 10 साल उनके भाई, छोटे भाई अनुज जालम सिंह जी विधायक थे। मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल में नरसिंहपुर जिले में क्या विकास किया? अब छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह वाली बात है, तो बड़े मियाँ केंद्रीय मंत्री नरसिंहपुर आए, जनता जान रही है, अब ये दबाव में राजनीति करना जान रहा है, लेकिन अब जनता नहीं मानेगी, जनता जान चुकी है इनके पूरे परिवार को, क्योंकि अब
जनता बदलाव की मूड में है, कांग्रेस सरकार बनने वाली। बदलाव की भनक लग गई थी क्या यहाँ पर बीजेपी को, जो प्रहलाद पटेल को है, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह है, नरसिंहपुर की जनता भी सुभान अल्लाह है, लेकिन विकास सुभान अल्लाह है, विकास भी सुभान अल्लाह है। कैसे कैसे विकास भी कह रहे हैं किसानों को मिल नहीं रहा, वाजिब दाम नहीं मिल रहा, कैसे आप कह रहे हैं? दो साल से कह रहे हैं किसानों को दाम नहीं मिला। बिल्कुल मिला है, किसानों को दाम मिल रहा है। आप बताइए इतना, ये जो हमारे गन्ना किसान को मिल रहा है, जो है इनका ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, ये उपार्जन करते हैं। गन्ना किसान को उसका वाजिब दाम मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है गन्ना किसानों को उसका वाजिब दाम? और अब केंद्र सरकार ने 20% एथेनॉल की जो परमिशन दी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ नरसिंहपुर जिले के किसानों को मिलेगा, क्योंकि 20% जो मिलेगा जो एथेनॉल के प्लांट यहाँ पे लगेंगे, जिससे सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। लेकिन बात कर रहे हैं कि विधायक 10 साल से सांसद है, मंत्री है, उसके बावजूद उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। विकास बहुत हुआ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसे राजनीतिक दल है जो सिर्फ विकास क्या हुआ है, सीधे विकास सिर्फ विकास के मुद्दे पर, जो सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। आज हम जिला चिकित्सालय की स्थिति देखें, मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछा, डॉक्टर है हमें तो बता रहे, वो डॉक्टर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं 2000 पेडिक का इलाज डॉक्टर के पहले 2003 के पहले जिला चिकित्सालय में एक डिब्बा में 4 प्रकार की गोली मिलती थी सिर्फ। आज इमरजेंसी सुविधाएं हैं, आज देखिए ना जाके आप, और डायलिसिस होता है, सिटी स्कैन होता है, ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर है वहाँ पे, ऑपरेशन होता है। अरे पूरे इस पूरे संभाग का सबसे अच्छा एसएनसी है वहाँ पे, जो नवजात बच्चों के सुरक्षा। लेकिन कह रहे हैं इमरजेंसी में तो जबलपुर शिफ्ट किया जाता है, रेफर किया जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनता सामने खड़ी है और वो सब बता देंगे। अभी चांदोर का डॉक्टर साहब भी हमारे बीच, वो आपको बता देंगे। हमारे घर में स्वयं जब मेरे बड़े भाई को हार्ट अटैक की समस्या रात को 2 बजे आई थी, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15-18 साल से भारतीय जनता पार्टी एक इमरजेंसी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है ओपीडी में, वो कह रहे हैं 3-3 डॉक्टर है, 3 आप ये जो कह रहे हैं 3-3 डॉक्टर है, 4-4 डॉक्टर है, डॉक्टर अकेले से काम नहीं होता, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ पे सामान होना चाहिए। आज वहाँ सर्जरी की स्थिति ये है कि वहाँ पे जो सूचर मटेरियल है, सोनोग्राफी MRI है, सब नहीं है, सोनोग्राफी मशीन से सोनोग्राफी नहीं होती, वहाँ पे टाइम से करने वाला व्यक्ति स्टाफ होना चाहिए, उसको असिस्टेंट चाहिए, पूरी पूरा वहाँ पे सूचर मटेरियल नहीं। वहाँ पे आज कल ही वहाँ पे एक डिलीवरी होना थी, सीजेरियन सेक्शन से ऑपरेशन होना था, एनेस्थेटिस्ट वहाँ पे नहीं आया, प्राइवेट से एनेस्थेटिस्ट जाके सर्जरी करवाया। ये स्थिति जिला बता रहे हैं कि एनेस्थेसिया नहीं था, बताइए कि पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था, आज है वहाँ पे, आज ICU वार्ड है, SNCU वार्ड है, डॉक्टरों की पूरी टीम है, ट्रॉमा सेंटर है, इनके सामने में क्या था ये तो बता? स्टाफ नहीं है, वो कह रहे हैं इलाज नहीं है, क्यों नहीं है, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ की कहीं कमी नहीं है, नहीं क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि हमारी उपलब्धि है स्वास्थ्य में, इसलिए आप छोड़ रहे हैं स्वास्थ्य को। सुनील जी आप बताइए कि इस बार क्या मुद्दों को लेकर कांग्रेस आएगी जनता के बीच? विकास बहुत बड़ा मुद्दा है वर्तमान में, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो 3-3 सांसद होने के बाद भी यहाँ पर रेलवे से जुड़ी जो हमारी थी समस्या, एक नहीं दो नहीं, हमारी 3-3 ट्रेनें यहाँ पर बंद हो गई। शटल ट्रेन जो हरिविष्णु कामत जी ने शुरू कराई थी उनके नाम पे थी, वो ट्रेन भी यहाँ से बंद हो गई, कोरोना काल से बंद है, कोरोना काल से बंद है, आम जनता बिल्कुल अभी ये स्थिति है, बेरोजगारी सबसे चरम पर है, आज रोजगार नहीं है युवाओं के बीच में, पढ़े लिखे मैं यहाँ पे जब मुशरान साहब थे तब महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, रोजगार के क्या हालात हैं? मैं चूंकि युवा हूँ तो युवाओं के लिए बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया है। कैसे किए? जो युवा दिन रात मेहनत करता है, दिन रात अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई को रोजगार मिल रहा है, उसको रोजगार नहीं, आप देखिए उसके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया, कॉम्पिटिशन एग्जाम पढ़ो पढ़ाओ योजना हम लेकर आए, युवाओं को सिखाने के लिए 15-15, 16-16 लाख रुपए शिवराज सिंह चौहान जी को दे दो, उनने कहा भैया पटवारी घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाले को कांग्रेस उठा रही है। एक मिनट, आम आदमी पार्टी से भी हम राय ले लें, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो यहाँ पर कब्जा जमाए। अरे कांग्रेसी लोग चाहते हैं बदलाव, बीजेपी वाले चाहते हैं बदलाव, इन लोगों का मन है, लेकिन आम आदमी पार्टी आना चाहिए तब बदलाव होगा। सौभाग्य प्रहलाद पटेल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल जी जब से यहाँ मंत्री बने हैं या सांसद हैं, सौभाग्य ये है कि यहाँ से 4-7 सांसद
विधायक हैं, लेकिन इन्होंने उपलब्धि क्या है यहाँ पर जिले के लिए, इन्होंने क्या दिया है? कह रहे हैं कि स्वास्थ्य अस्पताल में संसाधन कांकड़ भरता दिया है, कांकड़ भरता और जन्मदिन में गए हैं, मृत्यु आय की मशीनें दी है, इन्होंने रेत को बढ़ावा दिया है, इन्होंने सट्टे को बढ़ावा दिया है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो युवा वर्ग है वो यहाँ वहाँ भटक रहा। कॉलेज की क्या स्थिति है, उच्च शिक्षा मिल पा रही है? इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज कोई शिक्षा का क्या लग रहा है? सर यहाँ के यहाँ बहुत लंबे समय से यहाँ मंत्री हैं, नेता हैं, हम सुन चुके हैं यार, लेकिन यहाँ शिक्षा को लेकर विकास को लेकर कभी कोई बातें नहीं की जाती हैं। सिर्फ यहाँ पर कितने कॉलेज हैं, यहाँ पर कितने छात्र पढ़ रहे हैं? सिर्फ प्राइवेट कॉलेज से शिक्षा मिल रही है यहाँ के लोग। सरकारी कॉलेज नहीं है? एक कॉलेज सरकारी पीजी है वो, और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं। फिर कहाँ जाते हैं छात्र पढ़ने के लिए? प्राइवेट बाहर जा रहे सर, जो इसका एक लौता बेटा भी है उसको भोपाल जाना पड़ रहा है, इंदौर जाना पड़ रहा है। यहाँ तो कॉलेज पढ़ने के लिए करेली में कॉलेज नहीं है, नरसिंहपुर आना पड़ रहा है, नरसिंहपुर तहसील छोटी है, नरसिंहपुर में इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज का आपका अभी मिलने वाला भविष्य में 35 एकड़ जमीन चिन्हित, इंजीनियरिंग कॉलेज का इंजीनियरिंग 35 एकड़ जमीन, इंजीनियरिंग कॉलेज शिक्षा 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 के विषय में तीन कॉलेज यहाँ है, शहर में तीन है, प्राइवेट है, सरकारी है, सरकारी कॉलेज है साहब जी, पॉलिटेक्निक होगा, ITI होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी उसकी जमीन चिन्हित हो चुकी है। देखिए देखिए जहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेज की सवाल है, वर्तमान समय में हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट करने का पूरा प्रोसेस था, किंतु आप देख रहे हैं कि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खुल गए हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। नर्सिंग कॉलेज हमारे यहाँ है, और भी कॉलेजेस यहाँ पे खुले। जहाँ तक आप विकास की बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आज 2003 के पहले की 99 से पहले की सरकार देखिए, 93 से 2003 10 साल की सरकार, बंटाधार की सरकार, आज भी लोग बंटाधार को भूले नहीं है। नरसिंहपुर से जबलपुर जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, अभी आप भोपाल से आए, कितनी देर में आए आप भोपाल? 3 घंटे में आए, ये विकास नहीं है? ये सड़क सड़क पे तो गड्ढे हैं, मैं बता देता हूँ, ये विधवा विलाप से काम चलने वाला नहीं है कि 1921 में ये हुआ जे, आज मैं बता देता हूँ आपको, जिन स्कूलों में ये पढ़े हैं सब, उन स्कूलों की दुर्दशा देख लो आप ना, तो आंख से खून के आंसू रोएंगे। अभी भी स्कूलों की दुर्दशा, नई नई बिल्डिंग बनी है अभी, सीएम राय जिसमें मुसलमान साहब, सीएम राय एक सारे स्कूलों की बात, बिल्कुल बराबर सही कह रहे हैं। पानी की बात करना चाहूंगा, और ये भाजपा को झूठ पार्टी कहने वाले, ये गोमांस खाने वालों की पार्टी है, ये सनातन विरोधियों की पार्टी है, सनातन और धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मैं ये पानी की विषय पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल विकास के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। जिले में 4 डैम बन रहे हैं, जिनकी बोरा हतनापुर और बन रहे, 10 साल के विकास की मांग रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग की बात हुई है, किसानों की भी समस्या सुन लो। केवल देखिए किसानों के विषय में यहाँ पर एक चिनकी में डैम बन रहा है, डैम के विषय में जो किसान वहाँ पर हैं, जो उनकी भूमि जा रही है, उनको 1,70,000 की एकड़ से मुआवजा मिल रहा है, वो विस्थापित होंगे तो 20 लाख की एकड़ की जमीन उनको लेनी पड़ेगी, वो रोड पे आ जाएंगे, उनके लिए कोई स्पेशल पहले कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं उसमें लगभग 18 से 20 गांव तो उनकी जमीन जा रही है, और 80 गांव मुआवजा नहीं मिल रहा, डैम और बैराज में अंतर होता है, प्रति एकड़ 1.5 नहीं बन रहा है, वो बैराज बन रहा है। ये तथ्य पे बात करें, सच्चाई बताएं, एक भी गांव नहीं डूब रहा है, और चिनकी में डैम नहीं बैराज बन रहा है। हाँ, बैराज के प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिल रहा। सर आप लोग एक और बार बता दीजिए कुछ। दुष्यंत कुमार का शेर है, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं और कमाल है कि इनको यकीन नहीं, इनके पास एक ही मुद्दा है, जातिगत जनगणना, इनके पास विकास की कोई बात नहीं है, रोड है पूरी अटल जी की देन, ओबीसी वोटर के सारे कांग्रेस आएगी, ओबीसी वोटर के
ओबीसी वोटर जातिगत जनगणना का। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया, भैया राय साहब दो मिनट, बड़े भाई देखिए क्या है, मैं ओबीसी से आता हूँ और ओबीसी की बात कहीं भारतीय जनता पार्टी करती है तो अभी जो महिला आरक्षण बिल लाई थी उसमें क्यों ओबीसी को डिसाइड नहीं किया, क्यों उसका आरक्षण संविधान के हिसाब से सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया, हमेशा गुमराह करके भविष्य की बात कर ये हमेशा वोट बटोरना चाहते हैं, मगर जनता क्या कैसे क्या मुद्दों को लेकर जाएगी बीजेपी, क्या बताएगी इस बार, क्या प्रहलाद पटेल के चेहरे को? नहीं, प्रहलाद पटेल जी हमारे चेहरा है, भावी नेता है, बाकी हम लोग विकास के मुद्दे पे माननीय मुन्ना भैया है, 10 साल में नरसिंहपुर विधानसभा में बहुत विकास किया है, आप सड़क मूलभूत सुविधा सड़क इधर कोई बोलना चाहता है, इधर कोई बोलना चाहता है, कितना विकास हुआ है नरसिंहपुर का? नहीं मैं करणी सेना से जिला उपाध्यक्ष हूँ, अभी हमारी बैठक हुई जिसमें कल हमारी विदिशा में बैठक हुई है टीम जीवन सिंह सिरपुर के साथ में, जिसमें हम 80 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, करणी सेना 80 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और हमारे मांग पत्र अगर कांग्रेस एक्सेप्ट करती है कमलनाथ जी सामने करणी सेना 80, ये इतने झूठे हैं ये लोग कि अगर इनको गैस भी हो जाए तो खुद को प्रेग्नेंट बताते हैं। तो बिल्कुल यहाँ तमाम लोग हैं, हमने उनसे राय जानी कि नरसिंहपुर के विकास के कौन से मुद्दे हैं जो 2023 के विधानसभा के चुनाव में सुनाई देंगे, जिनके नाम पर नरसिंहपुर की जनता वोट लगाएगी। लेकिन ये सच है कि नरसिंहपुर विधानसभा में विकास की रफ्तार धीमी है और इस बार जो रफ्तार को तेज करेगा उसी के नाम पर यहाँ पर वोट डाला जाएगा। जालम जी क्या लग रहा है आपको, क्या 2023 के चुनाव में हम प्रहलाद पटेल जी के चेहरे को सामने रखेंगे या 10 साल के विकास कार्यों को? भारतीय जनता पार्टी का ये विचार है, अंत्योदय का हमारा विचार, अंत्योदय का सबसे पिछड़ा सबसे कमजोर व्यक्ति हो चाहे क्षेत्र, उसका विकास होना चाहिए और जो हमारा विचार उस विचार के आधार पर हमारी सरकार और हम सब लोग काम करते हैं और यही विकास का हमारा एक पैमाना मुद्दा भी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आदरणीय प्रहलाद पटेल जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 4 बार वो सिवनी लोकसभा से चुनाव लड़े, 1 बार बालाघाट से, 1 बार छिंदवाड़ और 2 बार उन्होंने दमोह का किया, अभी मंत्री पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव हमारे जिले से उनको चुनाव लड़ाने का निर्णय, हमेशा वो हर से चुनाव लड़ते रहे। लेकिन 5 साल तो आपने काम किया, आप चेहरा थे यहाँ पर, आपको उतारते तो ज्यादा असर होता ही नहीं लगता? नहीं, हमसे ज्यादा असर उनका है और वो यहाँ से युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष यहाँ से रहे, गुटे गांव के नगर अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा से उन्होंने काम शुरू किया है, उनका परिचय, उनका मार्गदर्शन हम सबको हमेशा से मिलता रहा है, उनके मार्गदर्शन मैंने काम हमेशा किया। लेकिन आपके चेहरे पर भरोसा क्यों नहीं, आप तो लगातार यहाँ से चुनकर विधानसभा पहुंच रहे थे तो आपके चेहरे पर पार्टी भरोसा क्यों नहीं कर रही? पार्टी ने यहाँ से मुझसे भी बोला था चुनाव लड़ने के लिए और भाई साहब को दूसरे विधानसभा से बोला था, तो मैंने पार्टी से निवेदन और आग्रह किया कि हम दोनों चुनाव विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब पार्टी ने उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। और मैं ऐसा मानता हूँ विकास की दृष्टि से मैं कहें तो हम 20 साल में 2003 से 2023 तक भरपूर जनता ने आशीर्वाद हमको दिया है और हमने विकास भी किया है, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, वो बताएं उनने क्या किया है। तो सर क्या क्या किन विकास कार्यों को बताएंगे हम नरसिंहपुर में, क्या हम अगर बात करें तो 1,32,58,48,000 के आसपास हमने काम किए हैं 20 साल में, हमें कंप्लीट भी दिया है उसमें जो हमने काम किया है, लोगों को बताने के लिए हमारे पास बहुत बहुत कुछ और भी है और हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रहलाद पटेल जी यहाँ से आए तो हमारे यहाँ अनेक संभावना अगर कहीं है, एथेनॉल प्लांट की बहुत अच्छी संभावना जिसमें एथेनॉल 20% मोदी जी ने पेट्रोल डीजल मिलाने की अनुमति दी है, क्योंकि इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश का 50% गन्ना है और मक्का से गन्ना से एथेनॉल ज़्यादा बनता है, तो हमारे यहाँ पर सब संभावना देखे और वो काम वो अच्छे से कर सकते हैं, सेंट्रल में हमेशा से रहे, सेंट्रल की स्कीम। लेकिन कांग्रेस के लिए कांग्रेस अब चुनौती बन गई थी इस इलाके में, इसीलिए प्रहलाद पटेल को उतारना पड़ा? कांग्रेस को चुनौती कहीं नहीं रही, पहले से भी नहीं रही, आगे भी नहीं है। पिछले बार 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ तो किसी का किया नहीं, उसके कारण उनकी वोट बढ़ी है, किसान जरूर डिफॉल्टर हो गया, 4-4 युवाओं को देंगे बेसिज, आप 5 फार्मर ऐसे फार्मर ने पहले ही भरवाए थे,
हमने मैंने अंत्योदय कार्ड में हर गरीब व्यक्ति के से लेके प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमने काम किया है, नीचे तक काम किया है, जिले में काम किया है। तो बीजेपी के विधायक है नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर और उनका कहना है कि वो ब्रोशर के जरिए अपने करोड़ों रुपए के जो विकास कार्य हुए वो जनता को बताने का काम करेंगे और प्रहलाद पटेल का चेहरा इस बार सबसे ज्यादा असरदार होगा।